नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं प्रोफेक्स सुपर के ऊपर, जो कि NACL कंपनी यानी कि NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक जबरदस्त कॉन्टैक्ट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ जो है स्टमक एक्शन पे काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। तो आज मेरी पहली वीडियो इस तरीके से फेस पे, हालांकि इससे पहले मैंने कभी इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़ा बोलने में अगर कुछ हिचकिचाहट हो जाती है। बैकग्राउंड में आपको जो है थोड़ी देर में आपको खेत की फुटेज भी देखने को मिलेगी। हालांकि मैं यहाँ पे अलग से इसको शूट कर रहा हूँ, और बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि आप जो है अलग अलग दो बंदे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे दोस्त ये भी कहते थे कि फेस वीडियो बनाई जाए। तो उसके लिए दोस्तों आज हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो कुछ गलतियाँ हो जाए तो माफ़ करना, अभी फर्स्ट टाइम जो है कैमरा फेस कर रहा हूँ इस तरीके से। हालांकि इससे पहले भी मैंने साल या डेढ़ साल पहले हालांकि एक दो वीडियोस इस तरीके से बनाई थी, पर उस वक्त जो है थोड़ी इतनी झिझक मुझे नहीं हुई थी, वो काफ़ी दूर से वो जो है शूट की थी। तो अभी जो है ये काफ़ी क्लोजअप में है और साथ ही साथ वीडियो भी आपकी चलेगी। तो दोस्तों बात कर रहा था मैं प्रोफेक्स सुपर के ऊपर, जो कि NACL इंडस्ट्री लिमिटेड का एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसमें कि आपको दो तरह के जो है टेक्निकल एक ही सॉल्ट में जो है देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी डोज की बात करूं तो डोज आपका रहता है दोस्तों 1 लीटर पानी में आप इसको डाल सकते हैं 1.5 ml से 2 ml के बीच में, यानी कि 20 लीटर की अगर आपकी टंकी है तो उसमें आप 30 से 40 ml इसको डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि आपकी फसल में कितना जो है कीट लगे हुए हैं या फिर उसमें कीट कम है तो उसके अकॉर्डिंग, और आपकी फसल छोटी है या बड़ी है। छोटी फसल में कम आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा जो बड़ी आपकी फसल रहती है या बड़े बड़े पेड़ आपके रहते हैं बागवानी में रहते हैं, उसमें आपको 40 ml भी इसको जो है 20 लीटर पानी में इसको डाल सकते हो। और जो आपके छोटे पौधे रहते हैं या फिर आपकी जो है प्लांटेशन छोटी जो सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें जो है छोटी स्टेज में आप इसको 30 ml भी डाल सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फ्लावरिंग स्टेज पे इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका। तो ये रहा आपका डोज के ऊपर बात दोस्तों। अब प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो प्राइस इसका दोस्तों आपको अलग अलग जो बीज भंडार आपके वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे इसको अलग अलग रेट पे मिल जाता है। वहीं जैसे मेरे पास 500 ml की पैकिंग है तो लगभग 639 रुपये के आसपास इसका टैग प्राइस दिया गया है। तो आपको बाज़ार में ये जो है 500, 550, 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा अलग अलग जगह पे। वहीं 1 किलो की पैकिंग जो आपकी आती है दोस्तों 900 रुपये टैग प्राइस के आसपास आपको मिलती है। वहीं ये जो है 700-800 रुपये में आपको जो है बाज़ार भाव में मिल जाता है। वहीं छोटी पैकिंग 100 ml की जो है आपको 250 से 300 रुपये में मिल जाती है, और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट रहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपका एक तरह का जो है ये कीटनाशक है कॉन्टैक्ट और स्टमक पे एक्शन करने वाला है, यानी कि अगर बारिश भी हो जाती है आपकी एक तरह से तो लगभग जो है अगर 2 घंटे में बारिश हो जाती है छिड़काव की, तो उसके बाद भी जो है 70 से 80% जो है आपको रिजल्ट्स देखने को दे देता है। ये बहुत सारे कीट्स को नियंत्रित करता है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स ऐसे रहते हैं कि जो सिलेक्टेड इंसेक्ट्स के ऊपर ही कंट्रोल करता है काम करता है, पर ये एक तरह का ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें कि दो तरह के आपके टेक्निकल्स हैं जो अच्छी मात्रा में जो है मिलाए गए हैं। तो उसमें जो है ये काफ़ी अच्छे रेशो पे जो है ये काम करता है, जिसमें कि आपके किट्स के कुछ के नाम लूँ तो जैसे आपका भारी से भारी बहुत ज़्यादा किट्स पे कंट्रोल करता है, जो आपका बॉल वॉर्म रहता है कॉटन में उस पे जो है अच्छा है ये नियंत्रण रखता है। एफिड्स पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है, इसका एफिड्स आपने देखा होगा कि जो डंठल रहता है आपका फूल का वहाँ से रस चूसता रहता है, और आपका जो है पौध जो फूल रहता है वो आगे चल के जो है फल में तब्दील नहीं हो पाता है। आप इसका इस्तेमाल टमाटर बैंगन शिमला मिर्च तोरी खीरा लौकी बागवानी क्षेत्र में आप इसका सेब में अनार में आम में गलगल में नींबू में सभी तरह की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि फ्रूट भी जैसे सड़ता है तो उसमें भी आपका जो फ्रूट फ्लाई जैसी लगती है वो, या फिर जो अंडे देने वाली आपकी तितलियाँ रहती हैं उनसे जो है छोटे छोटे से कीड़े फ्रूट के अंदर चले जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ये नियंत्रित करता है। और बात करता हूँ आगे, तो ये जैसेट्स को थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। वाइट फ्लाई और थ्रिप्स आपने देखा होगा कि काफ़ी गंभीर समस्या रहती हैं फसल में, किसी भी फसल में आपकी ज़्यादातर जो है शिमला मिर्च और आपके टमाटर जैसी फसलों में जो है भारी नुकसान पहुँचाती हैं, तो उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा जो है सक्षम और कारगर रहता है। तो और हिस्पा को कंट्रोल करता है, लीफ रोलर स्टेम बोरर पॉड बोरर कटवॉर्म, जैसे कि तना आपका छेदक रहता है दोस्तों फल छेदक रहता है उस चीज़ को, जो सुंडियाँ रहती हैं बहुत सारी प्रकार की उनको जो है ये अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। वहीं आगे आपके पॉड बोरर कटवॉर्म ब्लैक बग अर्ली सूट एंड स्टॉक बोरर रूट ग्रैब डायमंड ब्लैक मॉथ ब्लैक सिट्रस एफिड ग्राउंड बैट बिटल एक्सेट्रा बहुत सारे कीट्स को जो है कंट्रोल करता है। अगर आपकी फसल कीट से नियंत्रित रहेगी तो अच्छा उसमें जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं बनेगा और आपकी फसल जो है आपको अच्छी प्रोडक्शन देगी, जिससे कि आपको भारी जो है मुनाफा होगा।
और दोस्तों आप इसका इस्तेमाल हर तरह की मौसम में, हर तरह की फसल में, कभी भी किसी भी स्टेज में जो इस्तेमाल कर सकते हो। आप हार्वेस्टिंग स्टेज पे भी इवन इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज आप इसका छिड़काव करते हो तो 2 से 3 दिन के बाद आप जो है अपनी फसल को हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।